एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है सन 1955 में आरके बैनर्स तले बनी राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित श्री 420। देश को आजाद हुए अभी 7-8 साल ही बीते थे, लेकिन फिल्मकार राज कपूर की दूरदृष्टि ने देख लिया था कि आने वाले वर्षों में देश के सामने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आने वाले हैं। इन्हीं मुद्दों को उजागर करने के ध्येय से उन्होंने वर्ष 1955 में श्री 420 फिल्म बनाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि आवारा के कहानी लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की ही कहानी पर आधारित है यह कालजयी फिल्म। आवारा की तरह ही श्री 420 भी आरके फिल्म्स की ऐसी फिल्म है जो हर वर्ग के दर्शक के साथ अपना जुड़ाव स्थापित कर लेती है। अभावों के बीच जीते हुए आदमी की जिंदगी में कितनी निष्पाप खुशियां हो सकती हैं, कितने मार्मिक और दिलों को छू लेने वाले क्षण हो सकते हैं, कितना अपनापन और प्रेम हो सकता है। इन मानवीय भावनाओं के साथ देश में व्याप्त होती भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की गंभीर समस्या को भी उकेरा गया था श्री 420 में। श्री 420 एक ऐसे पढ़े लिखे नौजवान राज की कहानी है जो ग्रेजुएट है और सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक गोल्ड मेडल भी है उसके पास। नौकरी की तलाश में वो अपने छोटे से शहर से निकलकर बॉम्बे आ रहा है, जिसकी दूरी भी 420 मील दर्शाई गई है। नौजवान रास्ते में मस्ती से गीत गाता हुआ चला रहा है, इस बात से बेखबर कि जिस बम्बई शहर को देश का आम आदमी आधुनिक सभ्यता, उद्योगों और अमीरों की नगरी के रूप में जानता है, वास्तव में वो वैसी है नहीं। फिल्म की शुरुआत ही इस खूबसूरत गीत से होती है जो दर्शकों का मन मोह लेती है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए,
ऐसा गीत सिर्फ शैलेंद्र ही लिख सकते थे। आवारा हूँ गीत की तरह यह गीत भी उस दौर में लोकप्रियता के मामले में देश और काल की सीमाओं को लांघ गया था। इतने खूबसूरत दिल के मालिक पढ़े लिखे नौजवान राज को भी यह निष्ठुर बॉम्बे नौकरी देने को तैयार नहीं होता। जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और न खाने पीने का सामान ही अब उसके पास बचा है। इस हालत में ठोकरे खाते उस बेरोजगार नौजवान को पहला सबक महालक्ष्मी मंदिर के सामने भीख मांगने का धंधा करने वाला एक भिखारी यानी अभिनेता कुमार वो सिखाता है। यहाँ आपको ये बता दें कि लखनऊ के मिज्जन उर्फ कुमार अपने जमाने के जाने माने अभिनेता थे। हिंदी सिनेमा के वो पहले कुमार थे। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार ये सब तो बाद में आए। उनके अभिनय का उत्कर्ष संगतराश की छोटी सी भूमिका में मुगले आजम में देखा जा सकता है। ऐ मोहब्बत जिंदाबाद जैसा अमर गीत उन्हीं पर फिल्माया गया था। महालक्ष्मी मंदिर के पास ही नायक राज की मुलाकात एक केले वाली से होती है। वह केले वाली के पास पहुंचकर उसका भाव पूछता है। केले क्या भाव दिए? हाथ निकला दूरन बोल आठ आने दर्जन टूटे गए तो दोनों ने तीन। अपने पहले कुछ नहीं पड़ा मैडम। आठ आने का दर्जन टूटा लेगा तो दो आने का तीन। दो आने के तीन? ची 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 ची। ना बाबा ना, तीन आने के दो। तीन आने के दो? अरे फोकट का माल है, धंधा का था टाला था। घेने का होएगा तो दो आने का तीन लियो, ना तो टाला लगा बगो। ऐसा क्या करती है? सोच लीजिए ना, तीन आने के दो। नको, लेने का है तो दो आने का तीन लियो, नहीं तो जाओ। तुम्हारी मर्जी, फिर सोच लो। दो आने से तीन और तीन आने का दो। अरे इधर आओ, तुमको तीन आने का दोन मांगता है ना, ले लो। ये बात हुई ना मामा, लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया। खैर फिर कभी सही, लेकिन लूंगा तीन आने के तो याद रहे। ए ले पैसा फिर दे, ले ले। अरे ले ले। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया। जा जा जा। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे एवडा जे, तुम्हारे सरखट। थैंक यू लेडी केले वाली, धन्यवाद। एक बात बोलो, बुरा तो ना मानो, तुम केले वाली नहीं दिल वाली हो। दिल वाली लेडी केले वाली। थैंक यू, तुम्हारे तीना ने मुझ पे उधार रहे। का बोला है पुरगा, जैसे येड़ा जैसे येड़ा। जिनके अपने जीवन में कोई सुख नहीं, अपनी रोटी तक का कोई ठिकाना नहीं, वे भी दूसरों को देकर तृप्ति महसूस करते हैं। ये मार्मिक दृश्य हमें एहसास कराता है कि अभाव आदमी को कमजोर और बेबस भले ही बनाते हो, लेकिन उसे अमानवीय तो कतई नहीं बनाते। इस छोटी सी भूमिका में ललिता पवार जी ने जिस अपनेपन और संवेदना का गहरा संस्पर्श दिया, वह फिल्म की तमाम खूबियों और उपलब्धियों में कहीं गुम नहीं हो पाता। यहाँ हम उनके अभिनय में बहुत कुछ ऐसा पाते हैं जिस पर वाह वाह नहीं की जा सकती, सिर्फ तन्मय होकर डूबा जा सकता है, वहां पहुंचा जा सकता है जहां भावना को अभिव्यक्त करने की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। यहां पर एक बात हम आपसे और जरूर कहना चाहेंगे कि राज कपूर अपनी सभी फिल्मों में सह कलाकारों का जितना खूबसूरती से उपयोग करते थे वैसा किसी अन्य के साथ नहीं देखा गया। अब इस फिल्म में जैसे कि ये भिखारी या केले वाली, ये भूमिकाएं छोटी होने के बाद भी दर्शकों को भुलाए नहीं भूलती, बल्कि ये छोटी भूमिकाएं ही फिल्म के प्रवाह को गति देती हैं। सह कलाकारों की भूमिका की यहाँ बात चली है तो फिल्म में राशिद खान का जिक्र करना भी लाजमी हो जाता है। बुजुर्ग राशिद खान की महालक्ष्मी मंदिर के पास एक बड़ी सी कबाड़ी की शॉप है जिसमें वह एंटीक और सब तरह के सामान खरीदने, बेचने और गिरवी रखने का काम करता है। यहाँ वह नौजवान राज कपूर अपनी शिक्षा, मेहनत और ईमानदारी के प्रतीक गोल्ड मेडल को गिरवी रखने आता है, जिसके बदले में राशिद खान उसे 40 रुपए देता है।
नौजवान राज उन रुपयों को हाथ में लेकर उनसे सारी बंबई को खरीदने की घोषणा करता है। राशिद खान अपनी अनुभवी आंखों से झांकता हुआ कहता है, यहाँ सब बंबई को खरीदने आते हैं, लेकिन बंबई को आज तक कोई नहीं खरीद सका। बंबई ही एक दिन सबको खरीद लेती है। और यहीं बुजुर्ग राशिद खान की कबाड़ी की दुकान पर ही बेरोजगार नौजवान राज की पहली मुलाकात फिल्म की नायिका विद्या यानी नरगिस से होती है। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना छज्जे ऊपर लड़के नाचे लड़का है दीवाना इंचक दाना बोलो क्या अपने बूढ़े और अपाहिज पिता के साथ वह भी महालक्ष्मी मंदिर के पास एक छोटे से मकान में रहती है और वहाँ छोटा सा स्कूल चलाकर रोजी रोटी कमाती है और जरूरत पड़ने पर कोई जेवर गिरवी रखकर रशीद खान से पैसे ले आती है। जो जेवर एक बार गिरवी रख दिए जाते हैं उन्हें उठाने की नौबत ही नहीं आती। राज को सच्चाई और ईमानदारी का मेडल गिरवी रखते देख वो कहती है, जब सच्चाई और ईमानदारी को ही गिरवी रख दिया तो उसके पास बचा ही क्या। लड़की की बात राज के दिल पर लगती है, पर उस वक्त राज के पास उस मेडल को गिरवी रखकर कुछ रुपयों का इंतजाम करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। लेकिन अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि कबाड़ी शॉप से मिले 40 रुपए भी एक जेब कतरा निकाल लेता है। अब राज के पास कुछ भी नहीं रहा, रहने का भी कोई ठिकाना नहीं। ऐसे में सेठ सोनाचंद के आलीशान घर के सामने वाले फुटपाथ पर जब वह सोने जाता है तो वहां पर भी उससे 1.5 रुपए की पगड़ी मांगी जाती है। बॉम्बे जैसे शहर में फुटपाथ पर सोने के लिए पगड़ी मांगी जा सकती है, यह सुनकर थका हारा राज परेशान हो जाता है और फिर उसके पास देने को 1.5 रुपए भी तो नहीं है। तभी बस्ती में केले वाली वहाँ आ जाती है जो कहती है कि ये मेरे बेटे की तरह है और ये जहाँ चाहे वहाँ सो सकता है। ऐसे में सब लोग उसे अपना परिचय देते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं और साथ ही सभी लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं और फिर ये गीत गाकर वो अपना परिचय देता है। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, Thank you.
छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती। भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के, एक दिन बिन देखे पहचान के। एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा। आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाय ये क्या कर बैठे घोटाला। ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। श्रोताओं, इस गीत में सिर्फ बेरोजगार नौजवान राज का ही नहीं, उन तमाम गरीबी की जिंदगी ढो रहे कामगारों का भी दुख दर्द शामिल है। शायद इसीलिए लोगों को राज का यह किस्सा सिर्फ उसका नहीं, अपना भी लगता है। इस गीत में अभावों के कह कहे, दुखों के बीच भी जिंदगी जीने की ललक से सजी मुस्कुराहटें और आदमी की कभी हार ना मानने वाली जीवनी शक्ति पूरी ताकत से मौजूद है। इस गीत में गरीबी के आंसू तो हैं, लेकिन दुखों की नकली सहानुभूति की आड़ में उन आंसुओं का मजाक कतई नहीं उड़ाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर के साथ इस गीत में जो खूबसूरत लड़की नृत्य करती नजर आती है, उसका नाम शीला बाज है, जिसे बाद में आपने CID में एक बेहद लोकप्रिय गीत लेके पहला पहला प्यार गाने में देखा था। और इस गीत का जो नृत्य निर्देशन था, वह सत्यनारायण ने किया था। दोस्तों, फिल्म श्री 420 को राज कपूर की कलात्मक यात्रा का सबसे हसीन पड़ाव माना जा सकता है, जिसमें उनकी टीम के सभी सदस्यों, जैसे बतौर कहानी लेखक और पटकथा लेखक के रूप में ख्वाजा अहमद अब्बास, VP साठे, कैमरामैन राधु कर्मकार, आर्ट डायरेक्टर MR आचरेकर, फिल्म एडिटर GG मायकर, साउंड रिकॉर्डिस्ट अलाउद्दीन खां, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन, बतौर गायिका लता मंगेशकर, मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, ये सभी के सभी श्रेष्ठतम योगदान का उत्कर्ष देते हुए देखे जा सकते। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया। तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ओ रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया।
सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ये गाती चले, चांद तारों के तले रात ये गाती चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया। याद आती रही, दिल दुखाती रही, अपने मन को मनाना ना आया हमें, अपने मन को मनाना कभी, वहीं से दूर से ही तू भी ये कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया बसावैया, रमैया बसावैया, रमैया बसावैया। इस फिल्म के सभी गाने अत्यंत लोकप्रिय हुए और आज भी लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते हैं। इसका कारण ये भी है कि इसके सभी गीतों की रचना विभिन्न शास्त्रीय राग रागिनियों पर आधारित है। इस फिल्म के आधे से ज्यादा गीत तो राग भैरवी पर आधारित हैं और ऐसा कहा जाता है कि भैरवी में कुछ भी गाया जाए वो मधुर ही होता है, सुंदर ही होता है। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर। प्यार हुआ बरसात और आवारा की ही तरह श्री 420 ने भी उस साल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े। बंबई के नॉवेल्टी सिनेमा हॉल में इस फिल्म ने 60 हफ्ते यानी फिल्म के नाम के अनुरूप 420 दिन चलने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। इस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह को बाबूराव पटेल ने अपनी सुप्रसिद्ध पत्रिका फिल्म इंडिया में मुंबई में आयोजित अब तक का सबसे अलौकिक और गरिमापूर्ण आयोजन बताया था, जिसमें देश के सभी प्रमुख निर्माता निर्देशकों को आमंत्रित किया गया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि समारोह का सबसे हृदय स्पर्शी दृश्य वह था जिसमें लोगों ने राज कपूर को ख्वाजा अहमद अब्बास के चरण स्पर्श करते हुए देखा। अपनी फिल्म के एक लेखक के प्रति ऐसा आदर और सम्मान दूसरे फिल्मकारों के लिए अनुकरणीय है। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी, चाँद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल
दोस्तों, कल यानी 1 जून को था इस फिल्म की नायिका और महान अदाकारा नरगिस का जन्मदिन, और आज यानी 2 जून को है फिल्म के नायक राज कपूर की पुण्यतिथि। हम उन्हें आवारा कहें, श्री 420 कहें, अनाड़ी कहें, छलिया कहें, राजू कहें, या उन्हीं के शब्दों में मेरा नाम जोकर कह लें, या द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडिया कह लें, या राज साहब कह लें, या भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन कह लें, या पद्मभूषण कह लें, या दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कह लें, या सृष्टिनाथ कपूर कह लें, या फिर पुकार लें उन्हें उनके सर्वप्रिय नाम राज कपूर से। सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर और अपने आप में संपूर्ण सिनेमा कहा जाना भी जिसके लिए अतिशयोक्ति न हो, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी, एक ही जीवन में इतने सारे रूप, इतने सारे नाम, इतनी लोकप्रियता, इतना सम्मान, वाकई पृथ्वीराज कपूर उनके पिता थे ये कहना ही होगा। सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करने वाला उनका अंतर्मन हमेशा हीरा मन की तरह निर्मल और निश्चल रहा। जापानी जूता, रूसी टोपी और इंग्लिश तानी पतलून पहनने वाले राजू का मन हमेशा गंगा किनारे ही बसा रहा। आज भारतीय सिनेमा आपका ऋणी है, और जब तक भारतीय सिनेमा रहेगा, आप उसके आकाश में ध्रुव तारे की तरह दीप्यमान रहकर सबका मार्गदर्शन करते रहेंगे। द ग्रेट शोमैन को आज उनकी पुण्यतिथि पर यह वाक्य कुसुमांजलि समर्पित करते हुए अब अपने रेडियो मित्र आशुतोष को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियां, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से, फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रखता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर, कहता है दिल रखता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंदिर। प्यार